वेलकम टू जागरण पब्लिक स्कूल नोएडा। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी का आपकी यूकेजी की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप सभी बच्चों का मैं आपकी हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी कक्षा में दो व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला व्यंजन है व्यंजन क, दूसरा व्यंजन है व्यंजन फ। इन दोनों ही व्यंजनों को हम उनके चित्रों के साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में उन्हीं से संबंधित दो वर्कशीट्स मैंने आपकी वीडियो में आपके लिए लगाई हैं, जो कि व्यंजन क और फ से संबंधित हैं, जो आपको व्यंजन क और फ लिखने में आपकी मदद करेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे व्यंजन क और फ को उनके चित्रों के साथ। व्यंजन क, व्यंजन क। पहला व्यंजन है हमारा क। क से कमल, क से कमल। कमल मतलब लोटस फ्लावर, कमल मतलब लोटस फ्लावर, और जो कि कौन से रंग का होता है? गुलाबी, मतलब पिंक कलर का होता है। क से कमल। बच्चों, आपको ये मेरे साथ साथ बोलना भी है और चित्रों को देखना भी है। क से कमल, क से कमल। क से कछुआ, क से कछुआ, जिसको आप इंग्लिश में टॉर्टोइस के नाम से जानते हैं। कछुआ, क से कछुआ। क से करेला, क से करेला। करेला हमारे कौन से रंग का होता है? हाँ जी, ये होता है हरे रंग का, जो खाने में थोड़ा सा कड़वा भी होता है, मगर करेला सेहत को बहुत फायदा पहुंचाता है, आपको हेल्दी रखता है, आपको फिट एंड फाइन रखता है, इसलिए हमें करेले खाने चाहिए। जब मम्मा आपके लिए करेले की सब्जी बनाती है तो आपको वो खुशी खुशी खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, व्यंजन क से करेला, क से करेला। क से कटोरी, कटोरी आप सबने देखी होगी, आप इसमें दाल खाते हो, मम्मी ने अगर खीर बनाई है आप इसमें वो भी खाते हो चम्मच की मदद से। क से कटोरी। तो हमने बच्चों व्यंजन क में कितने कितने शब्द देखे और कितने चित्र देखे? चार। बोलिए मेरे साथ, क से कमल, क से कमल, क से कछुआ, क से कछुआ, क से करेला, क से करेला, क से कटोरी, क से कटोरी। तो बच्चों, आपको रोज इन चित्रों को देखना है और व्यंजन क से शब्दों को पढ़ने का अभ्यास भी करना है और रोज आपको व्यंजन क भी लिखना है, उसका अभ्यास भी करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना अगला व्यंजन देखते हैं, जो कि है व्यंजन फ। व्यंजन फ। फ से फल, फ से फल,
फल मतलब फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर्स, ऑरेंज, ये सब क्या है हमारे फल। फल फ्रूट्स खाने से हम लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, ग्लोइंग रहते हैं, हमें हमारे शरीर को बहुत सारी ताकत मिलती है। फर्से फल, फर्से फल, और हमें रोज अपने पूरे दिन में एक फल, कोई भी सीजनल फ्रूट जो कि इस सीजन में आते हैं, वो फल जरूर खाना चाहिए पूरे दिन में। ठीक है बच्चों, फर्से फूल, फूल मतलब फ्लावर्स, फूल मतलब फ्लावर्स, हमारे फ्लावर्स बहुत ही रंग बिरंगे होते हैं, कोई गुलाबी होता है, कोई लाल होता है, कोई ऑरेंज होता है, कोई येलो होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं हमारे फ्लावर्स। फर्से फूल, फर्से फूल, आपको मेरे साथ बोलना भी है बच्चों, ठीक है। फाटक, फाटक मतलब गेट, फाटक मतलब गेट, ठीक है बच्चों। फर्से फन, फर्से फन, बच्चों आपको इस चित्र में सांप दिख रहा है, स्नेक, उसकी एक रेड कलर की टंग बाहर निकली हुई है, उसे हम बोलते हैं फन। फर्से फन, फर्से फन। तो बच्चों व्यंजन फ, फ में भी हमने चार शब्द पढ़े उनके चित्रों के साथ, वो क्या क्या थे, फर्से फल, फर्से फूल, फर्से फाटक, फर्से फन, फर्से फल, फर्से फूल, फर्से फाटक, फर्से फन। तो बच्चों आपको रोज दोनों शब्द से रिलेटेड उनकी पिक्चर्स भी देखनी है, आपको दोनों व्यंजनों को लिखने का अभ्यास भी करना है, ठीक है बच्चों। अब आइए जो मैंने आपके लिए प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाई है वो देखते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट्स, ओके, पहली वर्कशीट जो है वो है व्यंजन क लिखो। इस वर्कशीट में आपको व्यंजन क लिखने की जगह दी गई है, आपको सारी जगह में क लिखना है, क क क क क, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि हम जो शब्द लिखते हैं, जो व्यंजन लिखते हैं, वो बीच की थ्री ब्लू लाइंस में लिखते हैं, ठीक है। वर्कशीट जो है वो है व्यंजन फ लिखो, आपको व्यंजन फ लिखना है दी गई जगहों में, ठीक है बच्चों। तो आप सब सारे चित्रों को रोज देखेंगे, उन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे और व्यंजन क और फ भी रोज लिख लिख कर उसका अभ्यास करेंगे, मतलब आपको व्यंजन क और फ की लिख कर डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपकी आपके लिए ये वीडियो लाभदायक रहेगी, आपके लिए ये वीडियो आपको समझ आएगी चित्रों के साथ, और आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की हो। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मम्मी पापा की बात सुनिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय, टेक केयर।